हार्टअटैक के बाद अब लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ाने राम पर उतरी सुष्मिता सेन। येलो लहंगे में हाथ में बुके लिए स्टेज पर सुष्मिता ने बिखेरा जलवा, तो दिल थामे देखते रह गए फैंस। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हाल ही में हार्ट अटैक आया था, लेकिन बावजूद इसकी एक्ट्रेस ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसा कमबैक किया कि लोग बस अपना दिल थामे उन्हें देखते ही रह गए। आप भी देखिए वीडियो, किस तरह एक्ट्रेस रैंप पर अपना जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं। जी हाँ, हाल ही में मुंबई के बीकेसी में चल रहे लैक्मे फैशन वीक में सुष्मिता सेन भी रैंप पर अपना जलवा बिखेरने पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने फैशन डिजाइनर अनुश्री रेड्डी के लिए रैंप वॉक किया और इस दौरान वो खूब जोश में भी नजर आई। साथ ही वो रैंप पर भगवान का भी शुक्रिया अदा करती हुई दिखाई देती है। सामने आई वीडियो में देख सकते हैं कि सुष्मिता सेन येलो कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इसके साथ ही खुले हुए बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके लुक में और चार चांद लगा दिए हैं। रैंप पर हाथ में बुके लिए शानदार अंदाज में वॉक करते हुए सुष्मिता सेन को देख हर किसी की नजरें उन पर ही टिकी रह गई। इतना ही नहीं, रैंप पर सुष्मिता को देख उनके फैंस ने बड़े प्यार से तालियां बजाकर उनका स्वागत भी किया। एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। इसके अलावा सुष्मिता सेन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो फैशन शो के सेट के बाहर स्पॉट हुई हैं। इस दौरान उनके साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल भी नजर आए। इस दौरान जब पेपराजी सुष्मिता से कहते हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो, अच्छा लगता है आपको देखकर, अच्छे लगते हो आप, ये सुनकर सुष्मिता सेन कहती हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों की दुआ है, बहुत खुश नसीब हूँ। इसके बाद वो अपने फैंस के साथ सेल्फी भी क्लिक करवाती हैं। सुष्मिता का फैंस के लिए प्यार देख लोग उनकी जमकर तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की दुआ है, सो ब्लेस्ड। गौरतलब है कि सुष्मिता सेन को 27 फरवरी को शूटिंग के सेट पर हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। वहीं सुष्मिता ने डिस्चार्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके हार्ट में 95% ब्लॉकेज था, हालांकि जिम वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें रिकवर होने में मदद मिली है, अब वो स्वस्थ हैं। वहीं सुष्मिता सेन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही ताली में नजर आएंगी, जो किन्नर गौरी सावंत की बायोपिक है। इसके अलावा एक्ट्रेस इन दिनों अपनी वेब सीरीज आर्या 3 की शूटिंग में बिजी है। रिपोर्ट्स की माने तो ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसी साल रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।